नमस्कार, भारत में तेजी से बढ़ते चैनल अखंड हिंदी न्यूज 24 में मैं सीके सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आइए रुक करते हैं दिन भर की तेज तर्रार एवं बेहतरीन खबरों की। मेरठ थाना ब्रह्मपुरी को मिली बड़ी सफलता। मेरठ थाना ब्रह्मपुरी SSI सुदत्त, SI संजीव पांडे, संजीव कुमार, SI अंकित चौहान, कांस्टेबल कामिल को मिली बड़ी सफलता। एक बदमाश हुई मुठभेड़ वाल्मीकि पार्क के सरस्वती लोक के बराबर में। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश ने चलाई पुलिस पर गोली। जवाबी कार्रवाई करते हुए SSI सुदत्त, SI संजीव कुमार, SI संजीव कुमार, कांस्टेबल कामिल मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ बदमाश घायल। मेडिकल अस्पताल में चल रहा है उसका इलाज। आपको बता दें ये बदमाश पर 12 से 15 लूट के मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश बहुत शातिर किस्म का बदमाश है। मेरठ जिला ब्यूरो BK गुप्ता की रिपोर्ट। सर, एक मुठभेड़ का पेशेंट यहाँ पे भर्ती हुआ, कैसा उस स्थिति है? एक पेशेंट अभी यहाँ लगभग 10-15 मिनट पहले आया हुआ है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से है। पैर में उसकी गोली लगी हुई है, जो बताया जा रहा है कि वो मुठभेड़ में घायल है। उसके बाएं पैर में गोली लगी हुई है। क्लिनिकली फ्रैक्चर है पैर में, जहाँ तक उसके उसका एक्सरे करा के कंफर्म किया जाएगा। अभी उनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पेशेंट की कंडीशन स्टेबल। सर, जो बुलेट है वो पैर में फंस चुकी है, बार बार निकल चुकी है। उसमें एग्जिट और एंट्री दोनों तरह के होंगे, तो गोली पैर में नहीं होनी चाहिए। कंफर्म एक्सरे कराने के बाद ही होगा। बारह वफात के पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमेटी अध्यक्ष ने की बैठक। 21 नवंबर इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 12 रबी उल अव्वल आज जुले से मोहम्मदी का 13वां जुलूस अपने कादिमी रास्ते से गुजरेगा। इस बार के जुलूस में ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए DJ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही फॉग स्प्रे पर भी लगाम कसी गई है। मरकजी कमेटी के अध्यक्ष मुजीब अहमद ने एक प्रेस वार्ता के जरिए इस बाबत बताया। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे से जुलूस की शुरुआत कोर्ट चौराहे से होगी। यहीं से जुलूस अपने कदीमी रास्तों से गजियारा, शेख सराय, मिर्दही टोला, श्यामनाथ चौधरी टोला, मुंशी नगर, रामलीला मैदान, ईदगाह, मुन्नी चौराहा होते हुए गजियारे चौराहे पर आकर समाप्त होगा। यहीं पर एक जलसे का इंतजाम भी किया जाएगा, जिसमें कमेटी के सदस्यों को सम्मानित करने के साथ ही मदरसे के बच्चे नतिया कलाम पेश करेंगे। इसके अलावा इस जलसे में खास तौर से मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना जफरुद्दीन नदवी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल रहेंगे। जलसे के अंत में मुख्य मुल्क की हिफाजत व मरकजी कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि DJ व फॉग स्प्रे पर लगाम कसने के लिए खास तौर से 60 वॉलंटियर्स की टीम भी बनाई गई है, जो कि एक खास तरह के ड्रेस कोड के साथ जुलूस पर नजर बनाए रखेंगे। इस बार के जुलूस में लगभग 50 के करीब अंजुमन शिरकत करेंगी। प्रेस वार्ता के दौरान कमेटी के अध्यक्ष मुजीब अहमद समेत सहित कमेटी के तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे। सीतापुर से सिमरेश पांडे की रिपोर्ट। जुलूस जिस रास्तों से चलता था वो उसी रास्तों से इस बार फिर जुलूस चलेगा। इस बार थोड़ी तब्दीली की गई है कि जो वहाँ DJ फॉगिंग इसका इस पर रोक लगाई गई है बिल्कुल पाबंदी से, और वॉलंटियरों को ज़्यादा साथ में रखा गया है कि वो जो लोग प्रतिनिधियाँ करते हैं जैसे DJ ले आते हैं तो उनसे खुशामद करके उनको हटा देना है इस बार। इसी मतलब और जो मदरसों के बच्चों का थोड़ा इस बार इंतजाम किया गया है कि वो बच्चे नाच पढ़ते हुए चलेंगे। हमारे हाफिज, उलमा, कारी, उसकी सब साथ में पैदल ही हम लोग साथ चलेंगे। हमेशा चलता था गाड़ी से, लेकिन इस बार वो पैदल ही जुलूस हम लोग मरकजी कमेटी पैदल चले। करीब 52-53 अंजुमने हैं। दिन भर की ताज़ा और आसपास के लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अखंड न्यूज 24।